अच्छा ही मुझे कुछ हेलो एवरीवन। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि हर वीडियो में एक बढ़िया एक नया क्वेश्चन लेके आऊंगा। ये क्वेश्चन रूडो के हो सकते हैं, क्रोटोव के हो सकते हैं, एससीवी के, या किसी भी अच्छी किताब के हो सकते हैं। पर्पस हमारा अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करके उनसे कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करना है। उनमें क्या एक्सटेंशन हो सकता है, जेई क्या पूछ सकता है, इनको ध्यान में रखते हुए उसका सोल्यूशन निकालना है। अच्छा सोल्यूशन क्या हो सकता है, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज मैं इरोडो का क्वेश्चन नंबर 1.7 लेकर के आया हूँ इस वीडियो में। तो वो वीडियो क्वेश्चन आपके सामने है, दो हिस्सों में इसलिए है क्योंकि एक हिस्सा इरोडो के एक पेज पे था और रिमेनिंग वाला पार्ट अगले पेज पर था। तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा गया है कि टू स्विमर्स लीव पॉइंट ए ऑन वन बैंक ऑफ द रिवर टू रीच पॉइंट बी लाइंग राइट अक्रॉस ऑन द अदर बैंक। वन ऑफ देम क्रॉसेस द रिवर अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन ए बी वाइल द अदर स्विम्स एट राइट एंगल टू द स्ट्रीम। जरा यहां से ही अपन डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। तो ये है रिवर, ये है रिवर, ये है ए, ये है बी। एक भाई साहब जो है वो सीधा चलना शुरू करते हैं, सीधा बी की तरफ, ठीक है। और दूसरे के लिए जो लिखा है अदर स्विम्स एट राइट एंगल, राइट एंगल स्विम करने का मतलब बच्चों ये होता है कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये है, ये इसका मीनिंग है। तो जब ऐसा होगा तो इन भाई साहब की रिजल्टेंट वेलोसिटी कुछ ऐसा इस साइड आएगी, है ना। तो ये कुछ इधर साइड पहुंचते हैं, यहां पहुंच गए से पॉइंट सी पर। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, देन एंड देन वॉक्स द डिस्टेंस दैट ही हैज बीन कैरीड अवे बाय द स्ट्रीम टू गेट टू पॉइंट सी। अब ये यहां से यहां चलना वापस शुरू करते हैं, टक 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 टक, सी से बी पहुंच गए, ठीक। व्हाट वाज द वेलोसिटी यू ऑफ हिज वॉकिंग, वॉकिंग की वेलोसिटी पूछी जा रही है बच्चों कि यू कितनी स्पीड से ये चलेंगे। ताकि ताकि आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, इफ बोथ स्विमर्स रीच द डेस्टिनेशन साइमल्टेनियसली। हाँ, मतलब ये टाइम और ये टाइम सेम है तो यू बताइए, गिवन है वी नॉट वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर का मैग्नीट्यूड गिवन है, दैट इज वी डैश। वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम मतलब रिवर की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड गिवन है वी नॉट। बाद में ये वैल्यू वगैरह हम पुट कर देंगे, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं साहब, स्टार्ट करते हैं। मेरे दिमाग में एक बात आती है, मेरे दिमाग में बात ये आती है कि यार क्यों ना अपन एक काम करें। इस क्वेश्चन को बहुत लोगों ने सॉल्व तो किया है, आप इसके मार्केट में सोल्यूशन देखेंगे तो खूब सोल्यूशन वगैरह पाएंगे आप। लेकिन मैं जाहिर सी बात है थोड़ा हटके सोल्यूशन बताना चाह रहा हूं। तो क्यों ना, और ये सोल्यूशन आप ध्यान में भी रखिएगा, आपके स्ट्राइक भी करने चाहिए, इसीलिए बता रहा हूं। इस क्वेश्चन को ना मैं रिवर फ्रेम में सॉल्व करने जा रहा हूं। इन रिवर फ्रेम क्या होगा, रिवर फ्रेम में जरा ध्यान से सुनिएगा। रिवर फ्रेम में होगा ये कि ए से आप शुरू करेंगे, इस बार रिवर स्टिल है, इस बार रिवर स्टिल है, और जो अर्थ है मतलब उसका जो साइड है, जो उसके एंड्स हैं, वो मूव कर रहे हैं पीछे की ओर, पीछे की ओर मूव कर रहे हैं। कितनी वेलोसिटी से, वी नॉट से। टी बराबर जीरो पर जब एक स्विमर ने इधर चलना स्टार्ट किया, इधर चलना मतलब स्टार्ट किया, इधर तो नहीं बोलूंगा, उसी समय रिवर भी पीछे की ओर फ्लो कर रही थी। तो जाहिर सी बात है रिवर पीछे, रिवर सॉरी सॉरी सॉरी, ये एंड जो ग्राउंड है वो ग्राउंड पीछे की ओर मूव कर रहा है। तो मान लीजिए क्या मैं कह सकता हूं यहां पर इस समय ए और बी सामने हैं, ठीक, ग्राउंड पीछे जा रहा है वी नॉट से। अब स्विमर को जो ए से बी डायरेक्ट जा रहा था ग्राउंड फ्रेम में, अब उसको कुछ इधर चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा नहीं चलना पड़ेगा, ठीक। तो ये अब पहुंचा बी पर, इसको मैं कह रहा हूं बी। ये बी कौन सा है पता है बच्चों, ये बी वो बी है जितने समय में रिवर पीछे से यहां, रिवर रिवर का मतलब रिवर के फ्रेम में जो ग्राउंड है साइड वाला वो वी नॉट से जा रहा है। तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी अगर टी है तो क्या मैं कह सकता हूँ ये डिस्टेंस बच्चों वी नॉट टी होगा और ये डिस्टेंस वी डैश टी होगा, क्योंकि रिवर के फ्रेम में वेलोसिटी वी डैश गिवन है और टोटल टाइम टी है। अरे ठीक तो है, ठीक है। और दूसरा वाला रिवर फ्रेम में याद करिए परपेंडिकुलर ट्रेवल कर रहा है, तो
तो रिवर के फ्रेम में परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ बच्चा पार्टी, इस डायरेक्शन में, कितनी वेलोसिटी से, वी डैश वेलोसिटी से। बस अब काम खत्म हो गया। बताइए इसको कितनी डिस्टेंस ये ट्रेवल करती है, ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस पता है, क्या बता सकते हैं ये डिस्टेंस कितनी बची? अरे बिल्कुल बता सकते हैं साहब जी, टी इंटू अंडर रूट वी डैश स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर, खत्म। ये आ गया, ये डिस्टेंस आ गई। तो आंसर भी आ गया। जब ये डिस्टेंस आ गई है तो इसको ट्रेवल करने में टाइम कितना लगेगा, कौन ट्रेवल कर रहा है बताइए, वी डैश से ट्रेवल कर रहे हैं ना, तो टी रूट ओवर वी डैश स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन वी डैश, ये टाइम लगा है, ये टाइम लगा बिल्कुल साहब, ये टाइम लगा। तो फिर इससे क्या हुआ, ये टाइम लगा कहां से कहां जाने में, यहां से यहां जाने में, तो और टोटल टाइम कितना लगा है टी, तो यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगेगा, ओ यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगेगा, टी माइनस दिस मच, और कितनी वेलोसिटी से वो हमें निकालना है, लेकिन हमें डिस्टेंस तो पता है, ये टाइम है। अच्छा, इस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ये है वॉकिंग की स्पीड, लेकिन किसके रिलेटिव, रिवर के रिलेटिव, क्योंकि हम रिवर के फ्रेम पे है। कितनी आ गई जी, ये आ गई वी नॉट अपॉन वन माइनस रूट ओवर वन माइनस वी नॉट बाई वी डैश का होल स्क्वायर। आप जरा ध्यान से सुनिए, रिवर के फ्रेम में रिवर की वेलोसिटी इस साइड, वॉकिंग की स्पीड इस साइड, तो जब हम ग्राउंड फ्रेम में जाएंगे तो रिवर की वेलोसिटी को एज इट इज ऐड कर देंगे। अरे जब ग्राउंड फ्रेम में जाएंगे, ये तो करते हैं भाई, वेलोसिटी ऑफ, मैं बताता हूँ, वेलोसिटी ऑफ वॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज वेलोसिटी ऑफ वॉकिंग माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो जब वेलोसिटी ऑफ वॉकिंग इन ग्राउंड फ्रेम निकालनी है तो वेलोसिटी ऑफ रिवर को ऐड नहीं करोगे, वेक्टर एडिशन, और जब दोनों अपोजिट है तो वेक्टर एडिशन का मतलब सब्ट्रैक्शन करेंगे ना। अच्छा जी, तो बस फाइनल आंसर आ गया, आंसर इज वेलोसिटी ऑफ वॉकिंग इज वी नॉट अपॉन रूट ओवर वन माइनस रूट ओवर, ओहो यहाँ रूट ओ नहीं है यार, ये तो गड़बड़ लिख दिया मैंने, अब है रूट वन माइनस वी नॉट बाई वी डैश का होल स्क्वायर माइनस वी नॉट, दैट्स इट, इट इज द आंसर। चेक कर लीजिए, यही आंसर आ रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको सोल्यूशन बढ़िया लगा होगा और आपको कुछ नया भी सीखने को मिला होगा। ऐसे ही इस वीडियो सीरीज को देखते रहिए, मैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाता रहूंगा और आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा। जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।